हेलो एवरी वन आई एम रहमान एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर ट्वेंटी नाइन चैप्टर नेम ग्राफ ऑफ क्लास सेवन मैथमेटिक्स सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ ग्राफ का मतलब हो गया कि किसी भी इंफॉर्मेशन को डिटेल को नंबर को डेटा को कुछ भी एक फिक्स्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना वो ग्राफ कर लगाएगा अब ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेसिक रूल हैं कुछ कंडीशन हैं उसके अकॉर्डिंग ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाएगा सबसे पहला काम यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया किसी पॉइंट या किसी वैल्यू की पोजीशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाए मीन्स वो वैल्यू अगर एक्स एक्सिस पे मेजर करें तो कितनी मिलेगी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में उसकी पोजीशन मेजर करें तो क्या मिलेगी इस ऑर्डर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेट कहलाएगा अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट क्या होता है उसमें जो एक्सिस होते हैं उसका क्या क्या नाम है वो समझते हैं ज़रा सा सबसे पहला काम देखिएगा ये आपकी बुक में दिया गया इस तरीके से कि द इट इज़ डन बाई Selecting एंड the एक्सिस of reference which are formed by combining the two numbers scale at right angle to each other। यहाँ पे एक लाइन ये है एक लाइन ये है ये दोनों लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है मीनस कट कर रही है ना बट ये एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होगा अच्छा अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस ठीक है ना और जहाँ पर दोनों दो लाइन आपकी आके कट कर रही है उसको बोला जाता है ओरिजिन ये लिखा है ना ओरिजिन तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा ओरिजिन राइट साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा इसी तरीके से इधर को डिस्टेंस होती तो वो आपकी एक्स एक्सिस की निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करती वाई एक्सिस ऊपर की तरफ मेजर किया जाएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे की तरफ रिप्रेजेंट किया जाएगा तो निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि ये देखिए आपके बुक में नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम दिया गया ना इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब इसी डायग्राम पे ऊपर की जो डिफिनेशन है ऐपसी से ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको मिल जाएंगी देखिए मैंने कहा ना दो लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रही है तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा एज ए ओरिजिन इन्होंने ओ से रिप्रजेंट किया है राइट साइड पॉजिटिव एक्स लेफ़्ट साइड नेगेटिव वैल्यू को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे देखिए प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस लिखने की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन जो होगा एक्स का वो लेफ्ट साइड होगा पॉजिटिव राइट साइड होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स और ये एरो लगा दी मीन्स कॉन्टिन्यू इसी वे में हम लोग इस डायरेक्शन में आगे और भी मेजर कर सकते हैं वाई अगर ऊपर की तरफ है तो सब पॉजिटिव डायरेक्शन होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब ऊपर पॉजिटिव है वाई नीचे की तरफ है तो सब निगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स ठीक है ना अच्छा यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन इन टू द राइट ऑन द एक्स एक्सिस एंड अप ऑन द वाई एक्सिस एक्स एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव होगा और वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा निगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड निगेटिव होगा और वाई नीचे की तरफ निगेटिव होगा यहाँ पे लिखा है निगेटिव डायरेक्शन इज टू बी लेफ्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड डाउन ऑन द वाई एक्सिस मीन्स अगर लेफ्ट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं कोई वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी निगेटिव होगी और डाउन डाउन साइड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो वाई की वैल्यू निगेटिव होगी एक्स राइट साइड पॉजिटिव होगी और वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगी इस तरीके से हो गया अच्छा सपोज़ कर लीजिए हमको ये ओरिजिन है जब भी पोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करना है हर बार हमको टू यूनिट एक्स डायरेक्शन में प्लस यूनिट कवर करना है तो वन यूनिट टू यूनिट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो राइट right साइड जाना होगा सपोज़ माइनस टू को रिप्रेजेंट करना होता तो माइनस जीरो माइनस वन यहाँ तक आते अगर वाई डायरेक्शन में या ऊपर की तरफ प्लस फोर यूनिट होता तो वन टू थ्री फोर यूनिट यहाँ तक आते और इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में माइनस को रिप्रेजेंट करना होता माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर या जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी लेंथ मेजर की जाती है वो चाहे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में की जाए या एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में की जाए दोनों लेंथ को एप्सिसा कहा जाता है ठीक है ना क्या कहा जाएगा एप्सिसा एंड वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर करें या नीचे की तरफ मेजर किया जाए इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट ये देखिए ऊपर आपके एक फिगर बना हुआ है उसमें ये चीज़ रिप्रेजेंट की गई है ये बना है ना आपके बुक में देखिएगा फिगर है इसी डायग्राम के ऊपर इस डायरेक्शन में कोई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू मेजर हो रही है तो वो एपसिसा कहलाएगी और ये ऊपर की तरफ कोई वैल्यू मेजर कर रही है तो वो ऑर्डिनेट होगी तो अब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तब भी एपसिसा होगा और एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन होगा तो भी एप्सीसा होगा हो तो हो बट वो पॉजिटिव एपसिसा राइट साइड एंड निगेटिव एपसिसा लेफ्ट साइड होगा इसी तरीके से ऑर्डिनेट ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर है तो ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव और नीचे की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर है तो ऑर्डिनेट आपका नेगेटिव अगर आपकी बुक में यहाँ पर एक्स होगा तो इसको कट करके वाई बना लीजिएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है बाई मिस्टेक यहाँ पर एक्स प्रिंट हो गया है तो ऑर्डिनेट जो होगा वो वाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इसको आप लोग अपनी बुक में करेक्शन कर लीजिएगा ठीक अच्छा अब जाहिर सी बात जब यहीं पर आप हैं तो ना तो आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो आप वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट एपसी और ऑर्डिनेट के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है मीन्स उनको एक ऑर्डर वाइज लिख दिया जाए तो वो आपका कोऑर्डिनेट कहलाता है तो एप्सिसा जीरो क्योंकि कहीं नहीं गए ऑर्डिनेट जीरो क्योंकि कहीं नहीं गए तो जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो किस फॉर्म में होगा जीरो कॉमर जीरो के फॉर्म में होगा अदरवाइज इधर की तरफ जाएंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी इधर की तरफ जाएंगे तो एक्स निगेटिव मिल जाएगी वाई ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा ठीक अब ये देखिए इसी उसी पेज पर पे एकदम जस्ट डाउन साइड आपके एक ये डायग्राम दिया गया क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट मीन्स वन फोर्थ पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर एक्सिस ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट ध्यान दीजिएगा यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हो रहा और है और एंटी क्लॉक वाइज इसका रोटेशन है ये एंटी क्लाक वाइज का इन्होंने डायरेक्शन बना दिया है एंटी क्लाक वाइज में जस्ट घड़ी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन घड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन होता है बट हम इस तरह से मेजर कर रहे हैं तो ये आपका एंटी क्लाक वाइज हो गया है. ठीक तो है तो स्टार्ट चेंज से करना तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन हुआ ऐसे ठीक है अगर हम ऐसे करते हैं तो ये क्लॉक डायरेक्शन होता बट स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट करते हैं और इस डायरेक्शन में तो ये आपका एंटी क्लॉक है ओके फर्स्ट क्वारडेंट सेकेंड क्वारडेंट थर्ड क्वारडेंट एंड फोर्थ क्वारड्रेंट अब ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वारडेंट में एक्स की वैल्यू मीन्स एप पॉजिटिव ऑर्डिनेट मीन्स वाई पॉजिटिव तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड कोआर्डिट कॉर्डेंट में एक्स नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड है एंड वाई पॉजिटिव क्योंकि वाई ऊपर की तरफ है तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव तो ये वाला आपका दोनों नेगेटिव हो गया और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड y नेगेटिव होता है तो ये साइन आपको याद भी रखना है और इसी साइन के बेसिस पे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को विदाउट ग्राफ भी जज कर सकते हैं कि वो पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में आइए एक एग्जांपल को भी देख लेते हैं ग्राफ थ्री कॉमो फोर एंड फोर कॉमो थ्री मीन्स इन पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है आपको वैसे तो देखिए दो नंबर नंबर सेम है बट उनका ऑर्डर अलग अलग है एक में एक्स की वैल्यू थ्री है वाई की वैल्यू फोर है और दूसरे वाले में x की वैल्यू फोर है y की वैल्यू थ्री मीन्स एप्सिसा सीसा थ्री है ऑर्डिनेट फोर या दूसरे वाले में एप्सिसा सीसा फोर है ऑर्डिनेट थ्री इस तरह से भी कह सकते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये समझते हैं पहले आपने एक कार्टिशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर एक्सिस बना लिया ये ओरिजिन है राइट साइड में सेम डिस्टेंस पर इक्वल डिस्टेंस पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से आपने मेज़र कर लिया ये ग्राफ पेज पे होगा और आपने इस तरफ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कर लिया इसी तरीके से ऊपर की तरफ एक्स पॉजिटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ वाई की वैल्यू निगेटिव होगी अच्छा अब देखिए पहले अगर हम थ्री कॉमो फोर को रिप्रेजेंट करने लगे तो थ्री किस जगह पर आता है एक्स एक्सिस पे ना थ्री कॉमो फोर रिप्रजेंट करना ना एक्स की वैल्यू थ्री है तो वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट यहाँ पे हम पहुँच गए क्या रिप्रेजेंट करना है थ्री कॉमो फोर तो ओरिजिन से आप स्टार्ट करेंगे प्लस थ्री था तो हम इस साइड जाएंगे माइनस थ्री होता तो लेफ्ट साइड जाते बाय द वे यहाँ पे प्लस थ्री कॉम फोर है सो वन टू थ्री आप यहां पर पहुंच गए अब देखिए जो y की वैल्यू है वो भी कितनी है फोर यूनिट है तो इस पोजीशन से आपको फोर यूनिट ऊपर की तरफ जाना है अगर फोर निगेटिव होता तो नीचे की तरफ आते बट फोर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे वन टू थ्री फोर ये पॉइंट जो है आपका थ्री कॉम फोर को रिप्रेजेंट करेगा ठीक नेक्स्ट फोर कॉम थ्री है तो अब पहले इस फोर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करें यानी कि एपसीसाइ एक्स डायरेक्शन में कितना मेजर करना है फोर यूनिट सो वन टू थ्री फोर यूनिट हो गए एंड देन ऑर्डिनेट वाई डायरेक्शन में थ्री यूनिट वन टू थ्री देखिए है वन टू थ्री इसके सीध में यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो ये पॉइंट हो, हो गया आपका फोर कॉमर थ्री तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सपोज हमारे पास एक पॉइंट ऐसे होता माइनस टू कॉमर माइनस वन ना इस पॉइंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो, तो पहले एक्स की वैल्यू माइनस टू माइनस वन माइनस टू यहाँ पर पहुँच गए अब माइनस वन था तो हम नीचे वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ये माइनस वन के सामने वाला पॉइंट ये पॉइंट हो गया आपका माइनस टू कामो माइनस वन अगर माइनस टू कामो प्लस थ्री होता तो माइनस टू से वन यू टू थ्री यूनिट यहाँ पर आ जाते तो माइनस टू कॉमो थ्री बन जाता तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट होगा उसको हम लोकेट कर सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं ऑन ए ग्राफ पेपर अब देखिए एक एग्ज़ाम्पल दिया गया आप स्टेट द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स अब आपको वो क्वाड्रेंट बताना है जिसमें ये पॉइंट लाइक कर रहे होंगे जिसमें ये पॉइंट आपके मौजूद होंगे मीन्स पोजिशन बतानी है आपकी कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट तो अभी हम लोगों ने जो साइन कन्वेंशन देखा उसमें क्या था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे कि ये सपोज कर ले यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे ना यह आपका फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ है फर्स्ट में तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकेंड वाले में एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा इसमें थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे और इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा ये पॉइंट के साइन होते हैं ना कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे उनके साइन इस तरह से होने चाहिए जैसे यहाँ पर फोर कॉमा फाइव एपसीसा पॉजिटिव मीन्स एक्स पॉजिटिव ऑर्डिनेट मीन्स वाई पॉजिटिव तो इफ बोथ आर पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इन्होंने लिखा है सिंस बोथ एक्स एंड बाई आर पॉजिटिव प्लस कॉमो प्लस देन द पॉइंट ए लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है ना नो माइनस कॉमो माइनस माइनस फाइव कॉमो माइनस सेवन बोथ आर निगेटिव अब देखिए बोथ निगेटिव कहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट में मीन्स ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा इन थर्ड क्वाड्रेंट फोर कॉमो माइनस टू मीन्स पॉजिटिव निगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है इसी तरीके से एक लास्ट है आपका माइनस सेवन कॉमा एट निगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सिर्फ इनके प्लस और माइनस को देख कर हम ये बता सकते हैं ये किस क्वाड्रेंट में होगा उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी है बस आपको ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो वो उनके साइन से हम बता सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन बनाना होता तो आपसे कह देता है कि वो प्लॉट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट गिवन पॉइंट ऑन ए ग्राफ पेपर तब हमको ग्राफ पेपर पे उसको रिप्रेजेंट करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करनी थी बट यहाँ पर सिर्फ ये पूछना कि किस क्वाड्रेंट में आएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में से तो वो तो आप उनके साइन देख के ही बता सकते हैं सो एक्सरसाइज ट्वेंटी एग्जाम्पल इन नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन थैंक यू एवरी